नमस्कार, मु मनस्वनी। प्रिय दर्शक बंधु, जीवंत आहार को आपण को स्वागत जनाए। आसंतु आज ध्यान निमंते पवित्र बाइबल प्रथम करंतिय 11 अध्याय 17 पद रु 34 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग प्रभु भोजर प्रकृत अर्थ। किंतु तुम्भ मानकर समागम जे हितकर न होई बरं अहितकर हेउअछि, एथिरे मु तुम्भ मानकर प्रशंसा न करी एही आदेश देउअछि। कारण प्रथमरे मु शुणुअछि जे मंडली स्वरूपे तुम्भ मानकर समागम समयरे तुम्भ मानक मध्यरे दलभेद घटी थाए। आउ मु केते परिमाणरे एहा विश्वास करुअछि जेपरि तुम्भ मानक मध्यरे परीक्षा सिद्ध लोक माने प्रकाशित हुअन्ति, एथिपाय तुम्भ मानक मध्यरे तो दलभेद निश्चय घटिब। तुम्भ मानकर समागम हेबा समयरे तुम्हे माने प्रभु भोज पालन करिनथाओ। कारण भोजन समयरे प्रत्येक जण अन्यरे अपेक्षा न करी आपणा आहार भोजन करे। सेथिपाय जणे खिउदार रहे ओ अन्य जणे माताल हुए। कौन तुम्भ मानकर कि भोजन पान करिबा निमन्ते घर नहीं, किंबा तुम्हे माने कौन ईश्वरक मंडली की अवज्ञा करूअछ? पुणी जेउ मानकर नहीं सेमानंकु लज्जा देउछ। मु तुम्भ मानकु कौन कहिबी, कौन तुम्भ मानकर प्रशंसा करिबी? ए विषय रे मु तुम्भ मानकर प्रशंसा करू नहीं। कारण मु प्रभुंक ठारे प्राप्त जेउ शिक्षा तुम्भ मानकु प्रदान करियछि, ताहा एही शत्रु हस्तरे समर्पित हेबा रात्रि रे प्रभु जीशु रोटी घेनी धन्यवाद देई ताहा भांगी कहिले, एहा तुम्भ मानक निमन्ते मोहर शरीर, मोते स्मरण करिबा निमन्ते एहा कर। सेहिपरि भोजन उतारे से पानपात्र मध्य घेनी कहिले, एही पानपात्र मोहर रक्तरे स्थापित नूतन नियम, तुम्हे माने जेते थर एथिरु पान कर सेते थर मोते स्मरण करिबा निमन्ते एहा कर। कारण जेते थर तुम्हे माने एही रोटी भोजन कर ओ एही पानपात्ररु पान कर, सेते थर तुम्हे माने प्रभुंको आगमन पर्यंत ताहांको मृत्यु प्रचार करूअछ। अते जे केही अयोग्य भावरे प्रभुंकर एही रोटी भोजन करे किंबा एही पात्ररु पान करे, से प्रभुंक शरीर ओ रक्तर दायी हेबो। किंतु मनुष्य आपणाकु परीक्षा करु आउ सेही परि भावे एही रोटी भोजन करु ओ एही पात्ररु पान करु। कारण जे प्रभुंक शरीरकु विशेष न मुणि भोजन करे ओ पान करे, से आपणा दंड निमन्ते भोजन करे ओ पान करे। यही हेतु तुम्भ मानक मध्यरे अनेक दुर्बल ओ पीड़ित पुणी अनेक महानिद्रा प्राप्त अटंती। किंतु जदि आंभे माने आपणा आपणार विचार करंतु तेबे विचारित हेउ नथांतु। आउ जगत सहित जेपरी दंडांग्या प्राप्त न हेउ एथि निमन्ते प्रभुंक द्वारा विचारित होइ आंभे माने शास्ति भोग करूअछु। अते मोहर भाई माने तुम्हे माने भोजन करिबा निमन्ते समवेत हेबा समयरे परस्पर पाई अपेक्षा कर। तुम्भ मानंक समागम जेपरी दंड निमन्ते न हुए, एथिपाई जदि केही क्षुधित तेबे से घरे भोजन करू, अवशिष्ट समस्त विषय मु गले बुझिबी। आजिरो शास्त्रस्य अम्मानुकु कौन कहे ताहा चिंता करिबा। करंतीय मंडलीर लोकमाने मेजर अंशी हेबारे सेमामानक मध्यरे विशृंखला थिला। धनी विश्वासी माने गरीब विश्वासी मानंकु अपेक्षा न करी आपणार उदर पूर्ण हेबा पर्यंत भोजन करूथिले, जहाकि एक बड़ विभाजन ओ मंडलीर विशृंखला थिला। ताहा परस्पर मध्यरे तिक्तता ओ विभाजनकु उत्पन्न कला। पाउल आहुतरे शिक्षा दे बुझाइबाकु लागिले। मेजर प्रकृत अर्थकु विश्वासी मानकु बुझाइ देले। मेजर अर्थ प्रभुंकर शरीर ओ रक्तकु सेमाने भोजन ओ पान करूअछन्ति बोली बुझाइ देले। किंतु सेमाने जे परस्पर एहा जानिबे जे सेमाने एक शरीर अटन्ति। आजिर शास्त्रांशरे ईश्वर किए अटन्ति? ईश्वर पवित्र प्रेम भोजर उत्स अटन्ति। एहा लोकमानक द्वारा सृष्टि करा जाय नाही, मात्र ईश्वरक द्वारा स्थापित होइअछि। प्रभु भोज एहा साधारण भावरे केवल स्मरण करिबा बा निर्दर्शन भावे पालन करिबा एवं जीशुंक मृत्यु निमन्ते धन्यवाद देबा ही नुहे।
ଏହା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପାଠରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିହାତି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଲୋକମାନେ କେତେ କପଟି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ପବିତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କରୁଅଛୁ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବାକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍।